तो आइए देखते हैं कि ये वेंटवर्थ माइल गोल्ड फील्ड की क्या हिस्ट्री है। हेलो दोस्तों, राम राम है आप सभी का देसी गर्ल के अनदर नए व्लॉग में। तो दोस्तों, हमने भारत में लखनऊ शहर के बारे में तो सुना है जो कि एक नवाबों का शहर है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ढूंढ लिया है लखनऊ, जो कि 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये एक ऐतिहासिक गोल्ड माइनिंग टाउन है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें भी ये लखनऊ भारत के लखनऊ जैसा मिलता है या कुछ और इसमें है। चलिए चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वेंटवर्थ माइल गोल्ड फील्ड की क्या हिस्ट्री है। 1851 में डिस्कवर हुआ था ये और 1880 के दशक से 1890 के दशक तक ये चला और अपने पीक टाइम पे था ये, बट 1890 के टाइम में इसे बंद कर दिया गया। पर जब ये अपने 10 वर्ष तक ही चला तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट गोल्ड माइन विलेज था पूरे न्यू साउथ वेल्स के अंदर। ये देख सकते हैं, ये है माइनिंग करने की मशीन और ये सामने देखिए कितनी बड़ी मशीनरी रखी है। आई विश मैं इसे अंदर से देख सकती, पर ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस इन लोगों ने ओपन नहीं किया हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया का लखनऊ, अपना शहर तो अपना ही है, नवाबों का शहर। और वैसे भी आज हम अंदर नहीं जा पाए हैं ड्यू टू कोरोना रिस्ट्रिक्शंस, तो अभी यहाँ की माइनिंग भी नहीं खुली है। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ही खुला इलाका है, यहाँ पे घर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो बेसिकली ये जो लखनऊ है, मैं तो अपनी देसी भाषा में इसे लखनऊ ही बोलूँगी ऑस्ट्रेलिया का, तो ये न्यू साउथ वेल सिडनी के पेंडू मीन्स रीजन एरिया में आता है। तो अभी ये डेवलप नहीं है इतना, अभी पूरा ये सारा खाली है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सिडनी। हम लोग अभी यहाँ पे कैफ़े में आए हैं और इस कैफ़े का जो थीम है बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कार्स हैं, मशीनरी हैं, सभी हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना मॉडल है लैंड रोवर का, पर इस पर सन मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत ही पुराना है ये। और आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, आई थिंक ये पुराने टाइम में ये लोग घोड़ा बग्घी के लिए यूज़ करते थे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे घास काटने वाली मशीन, पर फिलहाल ही चल नहीं रही है, जाम हो चुकी है, इतनी पुरानी है ये। और यहाँ पे इसके साथ साथ और भी काफ़ी बहुत पुरानी मशीन्स पड़ी हुई हैं। इन लोगों का थीम ही यही है इस कैफ़े का कि इन्होंने पुरानी सभी मशीनें कलेक्ट की हुई हैं। ये देखिए क्या है ये, आई थिंक ये पुराने टाइम की है जो ये आटा पीसने के लिए यूज़ में लेकर आते थे इसे। हाँ ये देखिए, यहाँ से इसे ऐसे चला के, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई इन कैफ़े में। आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़, ये देखिए यहाँ पे आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको रख के, और जब आप इसको इस तरह से मूव करेंगे तो इसमें से शहद नीचे इकट्ठा हो जाएगा। देखिए आप ये चीज़ देख रही है, ये है पुराने समय का बारबेक्यू। और ये काफ़ी हैवी है, आजकल के जो बारबेक्यू है एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा हैवी है ये। तो यहाँ का जो कैफ़े है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है
और इनका जो थीम है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। यहाँ का जो थीम है उसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पुरानी मशीनरी रखी हुई है इन्होंने। ये देखिए इधर कितनी पुरानी पुरानी लकड़ी रखी हुई हैं, कितनी पुरानी चेयर्स रखी हुई हैं। आप लोगों को मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग काफ़ी साल पुरानी है, पर नहीं, इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है जिसकी टाइमिंग है 9:30 to 4:30 और हाल फिलहाल ये बंद हो चुका है। साथ साथ ही इन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा काफ़ी बड़ा फार्म बनाया हुआ है जहाँ पे ये देखिए आप कितने सारे लेमन ट्रीज हैं। और ये जो कैफ़े है ये सन 1859 में इस्टेब्लिश हुआ था, पर अभी हाल फिलहाल इन्होंने इसको बंद करके रेनोवेट करके तो ये आगे रोड पर लेके गए इस कैफ़े को। आशा करते हैं देसी गर्ल का आपका ये लखनऊ का विजिट आपको जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम। शॉट लेना? हाँ हाँ रेडी रेडी। चलो 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 जल्दी करो। शॉट तो डाल लो। मेरा तो जी करा मैं रजाई ले। सारी शूट शॉट छोड़ो, तुम पहले मेरे को झूले लेने दो। शाम कहाँ है? बिट्टू को लेके दवा खाने गए हैं। ये एक हिस्टोरिक माइनिंग दोबारा